जो लोग नींबू लगा के नहाते हैं, जैसे मैं खुद, मैं नींबू से नहाता। दूसरा डायरेक्ट डायरेक्ट नींबू से डायरेक्ट, यस, नींबू से। उससे अच्छा लूफा क्या हो सकता है? अपने गार्डन की मिट्टी फेस पे आधे घंटे के लिए लगा ले, उसके पहले एक सेल्फी ले ले, उसके बाद एक सेल्फी ले ले, उसको वॉश करने के बाद। उनको उनको पता चल जाएगा कि आधे घंटे में मिट्टी ने स्किन को कितना टाइट कर दिया है। आजकल लोग बैक एक के चक्कर में ज्यादा रहते हैं, बैक एक हो गया। कभी आपने देखा है कि जो लोग मिट्टी में सोते हैं या जमीन पे सोते हैं, उनको बैक एक हुआ हो? कभी सुना है आपने? आप इसको रात में पानी में भिंगा लें, ल्यू कॉम वाटर में, सुबह उस पानी को लेके कभी बाल पे लगा के देखिएगा। एक्सपेरिमेंट के लिए थोड़ा सा लगा के देखिए और देखिए दोनों में डिफरेंस। स्किन का पीएच कितना है? एसिडिक है स्किन, नहीं साबुन का एसिडिक है, स्किन इज एसिडिक, 5.5 पीएच है। ओके और साबुन का पीएच कितना है? 8.0, जिसमें 90 ट्रिलियन बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, म्यूकर, ईस्ट, 90 ट्रिलियन वो है, 90% वो है, 10% ही ह्यूमन सेल्स है। मिट्टी में ये ताकत कहाँ से आई कि एक बीज को पेड़ बना दे? एसी ऑन कर लीजिए, हमेशा एसी एनवायरनमेंट में रहिए, डिहाइड्रेशन से बाल दो मुंह हो जाएंगे। दो मुंह का क्या मतलब है? बाल टूटने लग जाएंगे बिकॉज डिहाइड्रेट हो गए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ, ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਿਤ ਨੇ। ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਵਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਲ ਝੜਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਲ ਦੋ ਮੂਹੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਲ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਫੰਗਸ, ਉਹਨੂੰ ਕੀੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਲਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਡੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਗਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਹ ਨਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੋਈ, ਹਰ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਮਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਹੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੇਅਰ ਫਾਲ, ਸਿੱਕਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਬਾਲ ਚਾਹੇ ਕਹੀਂ ਕੇ ਵੀ ਹੋ, ਉਸਕੋ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਸਕਿਨ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰ ਕੇ ਬਾਲ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਡੀ ਕੇ ਬਾਲ ਹੋ। ਤੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਾਲੋਂ ਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਸਕਿਨ ਕਾ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਠੀਕ ਸੇ ਦੇਖੇਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਕਿਨ ਕੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖੜੇ ਹੈ ਯੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਕੀ ਪੂਰੀ ਜੋ मॉडर्न सिस्टम, मॉडर्न जो ब्यूटी, ये मतलब इंडस्ट्री है, पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री है, पूरी की पूरी शो बिज की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, स्किन के ऊपर खड़ी हैं। बहुत सीधी बात, जो आयुर्वेद के लोग स्किन प्रोडक्ट्स बनाते हैं जी, जैसे कई बाबा लोग भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो भी स्किन पे आ गए हैं क्योंकि उनको ये पता है कि अगर स्किन के लिए कुछ नहीं है तो फिर उनकी 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 इंडस्ट्री को कोई पूछेगा नहीं। जी जी। तो ये स्किन के ऊपर सारा कुछ है।
और वो कहते हैं ना कि ब्यूटीफुल ब्यूटी इज जस्ट स्किन डीप, इतना ही अंदर से ब्यूटीफुल होना उतना ही जरूरी है जितना बाहर से होना, दोनों जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर से आप ब्यूटीफुल हैं, अंदर से राक्षस घुसा हुआ है आपके अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो होना क्या चाहिए, वी हैव टू बी ब्यूटीफुल फ्रॉम आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड। तो आउटसाइड जो है स्किन, यही सभी हेयर्स को सपोर्ट करती है, चाहे वो ये हेयर हो चाहे वो ये हेयर हो, कहीं भी बॉडीली हेयर हो, स्किन सपोर्ट करती है। सो कमिंग बैक टू स्किन, स्किन के ही प्रॉब्लम्स होते हैं जिससे हेयर लॉस होता है, जिससे ये होता है। कुछ चीजें जेनेटिक हैं जरूर, लेकिन जेनेटिक चीजों को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सही देके उसको ठीक भी किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है 100% कि मेरे मामा के बाल झड़ गए थे तो मेरे भी झड़ जाएंगे, या मेरे फादर के झड़ गए थे तो मेरे भी झड़ जाएंगे, जरूरी नहीं है। बात यह है कि क्या हम ये बात समझते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जिनके सर के बाल झड़ रहे हैं, कभी उन्होंने ये सोचा कि वहां पर ब्लड सप्लाई कहीं ना कहीं कम आ रही है? अब आप देखिए, आप तकिया लेंगे तो तकिया में आपकी बॉडी मान लीजिए यूं है, तकिया आपने यहाँ पे रख दिया तो आपका सर ऐसे हो गया, तो जो ब्लड सप्लाई है वो किंक हो गई, किंक होके जा रही है, तो कम ब्लड जा रहा है, स्कैल्प में कम ब्लड पहुंच रहा है तो बाल झड़ेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छा, तकिया निकाल दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या जो लोग बड़ा सारा तकिया लेके सोते हैं उनके बाल झड़ा झड़ने की ही, तो उसके बाद कही yes. जा सकते हैं? यस एब्सोल्युटली बिल्कुल, क्योंकि आप अगर 8 घंटे सोते हैं तो 24 घंटे में 8 घंटे आपके स्कैल्प को कम ब्लड सप्लाई मिली, तो आपको नहीं लगता है कि इसमें ये जो सेल्स हैं डेड हो जाएंगे? ये बड़ी सिंपल सिंपल चीजें हैं जो जिंदगी में बड़ी काम आती हैं। दूसरा, अगर आपने तकिया निकाल दिया, कभी आपने सोचा कि लोग स्नोर करते हैं उनके नाक बजते हैं, कई डॉक्टर्स से पूछते हैं कि सर्जरी करा लें, ये करा लें, क्या करा लें कि नाक बजना बंद हो जाए। मैं ऐसे कई कपल्स को जानता हूं जिनके नौबत डिवोर्स तक आ गई थी। अच्छा, ये नाक बजने के चक्कर में। वो लेडी बोल रही थी कि मैं तो सो ही नहीं पाती हूँ कि इतने कितने साल हो गए कि मैं सो ही नहीं पाई। कई लोग रूम चेंज कर लेते हैं कि भाई ठीक है मैं दूसरे रूम में रहूंगा, आप दूसरे रूम में रहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी हमने सोचा, आप किसी ENT सर्जन को पूछे, वो बोलेंगे कि मैं एक सर्जरी कर देता हूँ, यहाँ पर ये छोटा सा आपका नेजल सेप्टम डिविएटेड है, उसको सीधा कर दूंगा तो ये हो जाएगा। ऊपर वाले ने पर्याप्त बॉडी दी है, ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है इसमें। आप कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जिसके चलते नाक बज रहा है। दो चीजें हमेशा याद रखिए, बेसिक चीजें, हवा को एंगल देंगे तो बजेगा। बांसुरी कैसे बजती है? एंगल देने से। बांसुरी आप यूं फूंकते हैं, हवा को एंगल मिलता है, बजता है। आपने तकिया ले लिया, आपका सर ऐसे हो गया, एयरवे को एंगल मिल गया, वो बजेगा। बहुत सिंपल बात है। अगर तकिया निकाल दिया जाए तो स्नोरिंग बंद हो जाएगा। ये कितने लोगों को पता है? ये कितनी सिंपल चीज है जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। तो जो बोला जाता है कि नाक में मांस बढ़ गया है और नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई है, तो ये इसमें कितनी की सच्चाई है? क्योंकि नाक की हड्डी टेढ़ी होना, जुकाम भी होना, उसमें बोला जाता है। आजकल सभी इंफॉर्मेशन गूगल पे है। वो जमाना बीत गया जब आप कुछ भी बोल के निकल सकते हैं। मैं भी जो बातें बोलता हूँ लोगों को वर्ड वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए, उनको उस पे शोध करना चाहिए और मुझे ट्राई करना चाहिए रॉन्ग प्रूव करने का। अगर मुझे बड़ी खुशी होगी अगर कोई ये बोलता है कि नहीं आपने ये जो इंफॉर्मेशन दिया ये रॉन्ग है, राइट इंफॉर्मेशन ये है, एक सीखने का मौका भी मिलेगा। वैसे मैंने काफी रिसर्च किया वो इस बॉडी के ऊपर। मैं थोड़ा सा एक
आम लोगों से थोड़ा सा ठीक ठाक जानता हूं, तो मैं उस जानकारी के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं कि आप तकिया निकाल के देखें, आपका स्नोरिंग चला जाएगा। दूसरा, जो आप डिविएटेड नेजल सेप्टम की बात की आपने, आप सरप्राइज हो जाएंगे, 95% to 96% ऑफ पॉपुलेशन का डिविएटेड नेजल सेप्टम है, और ये कोई पैथोलॉजी नहीं है। अगर इतने ज्यादा लोगों को है तो यही तरीका, ये ऊपर वाले का तरीका है कुछ करने का। वो हम जब ईएनटी के ऊपर कभी बात करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि क्यों है ये डिविएटेड नेजल सेप्टम, ताकि आपको कई चीजों से बचाया जा सके। उसको सीधा कर देंगे तो कई और चीजें होने लगेंगी जो होनी नहीं चाहिए, इसलिए ऊपर वाले ने कहीं कोई गलती नहीं की है। प्लीज, मैं यही बोलना चाहता हूँ। जैसे लोगों को लगता है ना, ये तो गलती हो गया, ऊपर वाले ने गलती कर दी। ऊपर वाला कभी कोई गलती नहीं करता है, प्लीज, गलती हम करते हैं, ठीक है, हम प्रैक्टिस करते हैं, परफेक्ट वो है, हम बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस नाउ। तो तकिया से ये हो गया कि स्कैल्प में ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, तकिया निकाल दें, बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, ब्लड सप्लाई रिस्टोर हो जाएगा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। दूसरा, स्किन जो है, स्किन के लिए आप देखिए, इतने क्रीम्स हैं, इतना कुछ है, कई इंडस्ट्रीज इसी पे चलती हैं। स्किन डिपार्टमेंट का मैं देख रहा था, आजकल लेजर से ये करा लीजिए, लेजर से हेयर रिमूवल करा लीजिए, मतलब जैसे लगता है कि ऊपर वाले ने गलती की थी। आप देखिए, हेयर का एक पर्पस है, वो बॉडी में कोई भी चीज जहां पे है उसका रेस्पेक्ट करना सीखना बहुत जरूरी है। हेयर का एक पर्पस है, आप देखिए पर्पस क्या है, दो हेयर फॉलिकल्स के बीच में एयर ट्रैप होता है, आपके बॉडी को एयर कंडीशन करता है, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है, एयर का लेयर जो इस हेयर से ट्रैप हो जाता है, पूरे बॉडी में चारों तरफ एयर का लेयर चलता है। अगर आपने हेयर्स ही निकाल दिए तो एयर का लेयर नहीं आएगा और आपको बहुत जल्दी बीमार पड़ेंगे, ठंड लग जाएगी, गर्मी लग जाएगी, सब कुछ लगेगा, क्योंकि आपने एयर कंडीशन करने के लिए जो चीज बनाई गई थी वो निकाल दी आपने। शो में कि नहीं, मैं तो हेयरलेस हूं, हेयरलेस छिली हुई मुर्गी ठीक नहीं लगती है अगर ठीक से देखा जाए तो। और आजकल तो मेल्स भी इसी चक्कर में है। मेरे कहने का मतलब ये है, ऊपर वाले ने कहीं कोई गलती नहीं की, हमने स्किन को बिल्कुल ही खराब कर दिया। आप सिंपल सी बात देखें ना, आपको नींबू युक्त साबुन क्यों चाहिए, नींबू से क्यों नहीं नहा सकते हैं आप, नींबू वाला साबुन चाहिए आपको। ये जो हेयर फॉलिकल्स आप देख रहे हैं, ये फॉलिकल्स और स्किन के बीच में ये फॉलिकल्स जो है एयर को ट्रैप कर लेते हैं। ये फॉलिकल्स क्या मतलब, क्या पंजाब इसको पब्लिक को समझाने के लिए, हेयर रोम जिसको बोलते हैं, रोम वो चाहे सर के हो चाहे यहाँ के हो, ये दो फॉलिकल्स के बीच में एयर को ट्रैप कर लेते हैं। और एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो बॉडी की इलेक्ट्रिसिटी अंदर ही रहती है, बाहर नहीं जाती है, या अगर कभी इलेक्ट्रिक करंट ये लगता है तो वो एयर कुशन कर देती है। बहुत ज्यादा गर्मी है तो एयर कंडीशन का काम करती है, बहुत ज्यादा ठंड है तो अंदर ठंड नहीं लगने देती है, क्योंकि वो एयर का लेयर आपके साथ साथ चल रहा है। अगर आपने बाल छील लिए तो वो एयर का लेयर चला गया, और वो कई चीजें जो हैं जो बाहर के पैथोजन से स्किन का कांटेक्ट ना हो वो एयर इंश्योर करता है, वो आपने हटा दिया। तो प्रिपेयर्ड हो जाइए कि आपको सभी स्किन डिजीज होंगे। ऊपर वाले ने कहीं कोई गलती नहीं की, हमारी समझ में गलतियां हैं, हमें समझने में कई बार भूल हो जाती है कि हम क्या कर रहे हैं।
दूसरा, स्किन का पीएच जो है, एक पीएच वैल्यू होता है जिसमें एसिडिक और एल्कलाइन 7 को न्यूट्रल मानते हैं, 7.0 को, जैसे पानी न्यूट्रल है, नींबू एसिडिक है, स्किन का पीएच कितना है? एसिडिक है स्किन? नहीं, साबुन का एसिडिक है, स्किन इज एसिडिक, 5.5 पीएच है। ओके, और साबुन का पीएच कितना है? 8.0, एल्कलाइन है। अगर एसिड और एल्कली मिलाएंगे तो सॉल्ट बनेगा। तो ये जो व्हाइट हेड्स आते हैं, ब्लैक हेड्स आते हैं, ये क्या है? सॉल्ट है ये। अच्छा, ये सॉल्ट है जो आप विंटर में सोप से धोते हैं, जो व्हाइट व्हाइट ये आ जाते हैं, क्या है वो? सॉल्ट है। अच्छा, क्योंकि स्किन एसिड है, ये बेस है, सोप अल्कलाइन है, एसिड और एल्कली मिलके सॉल्ट बनाते हैं। तो अगर व्हाइट कलर के हैं तो व्हाइट हेड्स हैं, ब्लैक कलर के हैं तो ब्लैक हेड्स हैं। इसी पे ब्यूटी पार्लर चलते हैं कि हम आपका व्हाइट हेड निकाल दें और ब्लैक हेड निकाल दें। आपने अगर नींबू लगाया होता जो एसिडिक है, स्किन भी एसिडिक है, नींबू भी एसिडिक है, बहुत अच्छा स्मेल करता है। जो लोग नींबू लगा के नहाते हैं, जैसे मैं खुद, मैं नींबू से नहाता। नींबू से, उससे अच्छा लूफा क्या हो सकता है? अरे क्या बात है, नींबू से कैसे उसको अलग, उसे साबुन की तरह लगाना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। और बहुत ही, आपको कभी कोई ऑयलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट मी टेल यू, चाहे विंटर हो चाहे समर हो, ऑयल की जरूरत नहीं पड़ेगी और क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। नींबू हैज गॉट ऑल दोज प्रॉपर्टीज डायरेक्ट नींबू से है? आप देखे ना, आप देखे, ये इट मेक्स साइंटिफिक सेंस। दूसरा, स्किन का पीएच कितना है? 5.5। मिट्टी का पीएच कितना है? 5.5। आप याद करिए, हम पहले मिट्टी लगाते थे। बिल्कुल, हाथ धोने के लिए मिट्टी लगाते थे। और हम ज्यादा नॉलेजेबल थे, हमारी नॉलेज भ्रष्ट हो गई जब से हमने साबुन लगाना ये शुरू किया, ये वेस्टर्न चीजें कॉपी करनी शुरू की, हमें सभी स्किन डिजीज आ गई। अगर इसका इतिहास देखेंगे गूगल में, सब कुछ, आप अगर आजकल इंफॉर्मेशन का बूम है, आप सब कुछ मालूम कर सकते हैं। तो आप मालूम करिए ना कि 1900 में जब सोप इंट्रोड्यूस किया गया, सोप को, तो दुनिया में बीमारियां नहीं थी, बहुत कम थी। जो लोग सोप यूज करने लगे, बीमारियां बढ़ती गई। पहले ब्लैक्स को सोप नहीं दिया जाता था, क्योंकि वो सिर्फ एलीट के पास होता था, तो बीमारियां भी एलीट के पास होती थी। जब ब्लैक्स भी यूज करने लगे, उनको भी वही बीमारियां लगने लगी। वी नीड टू अंडरस्टैंड, मिट्टी से जुड़े हुए लोग, जिनके पांव धरती पे, मैं तो मिट्टी को धरती कहता हूं, अगर आप धरती से जुड़े हैं तो आप ठीक हैं, जिनके पांव धरती पे नहीं हैं, वो बहुत दिनों तक धरती पे रहेंगे नहीं। पांव धरती पे रखना लिटरली एंड फिगरेटिवली बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप एक चीज देख लीजिए कुलवंत जी, आजकल लोग बैक एक के चक्कर में ज्यादा रहते हैं, बैक एक हो गया। कभी आपने देखा है कि जो लोग मिट्टी में सोते हैं या जमीन पे सोते हैं, उनको बैक एक हुआ हो? कभी सुना है आपने? नहीं, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि ये जो धरती माँ है, ये ऐसा मसाज करती है कि कभी बैक एक होगा नहीं। माँ जो है अपने बच्चों का मसाज करती है ना, इसीलिए धरती को माँ कहते हैं, ये मसाज करती है, कभी बैक एक नहीं होगा। लेकिन बेड पे सोने वाले को बैक एक होता है, क्योंकि आप जमीन से जुड़े हुए नहीं, आप जमीन से कट गए हैं। जमीन से जुड़ना जरूरी है। कमिंग बैक टू स्किन, स्किन का पीएच 5.5, मिट्टी का पीएच 5.5, ये सीधा आपको मैसेज देना चाहिए। आप एक काम करिए, जो भी लोग ये सुन रहे हैं, एक बार कोशिश करें
अपने गार्डन की मिट्टी फेस पे आधे घंटे के लिए लगा ले, पहले एक सेल्फी ले ले, उसके बाद एक सेल्फी ले ले, उसको वॉश करने के बाद, उनको उनको पता चल जाएगा कि आधे घंटे में मिट्टी ने स्किन को कितना टाइट कर दिया है, क्या और कैसे खींच दिया है, आप कितने सुंदर दिखने लगे हो। ये बहुत सिंपल है, ये मुल्तानी मिट्टी का फॉर्मूला वही से है ना, मुल्तानी मिट्टी लगाने का। मुल्तान, हम तो वैसे इतिहास से भी कटे हुए लोग हैं, मुल्तान का अगर इतिहास में आप जाएंगे, मुल्तान इज मूल स्थान, क्योंकि पंजाब वाले रीजन में हम स और थ को एक साथ बोल नहीं सकते हैं, तो हमने स को काट ही दिया, मुल्तान हो गया, वो मूल स्थान है, वो वही मूल स्थान है, प्रहलाद वहीं पे पैदा हुए थे, होलिका दहन वहीं पे हुआ था, होली वहीं से शुरू हुई थी, वही मूल स्थान है, तो मूल स्थान की मिट्टी स्वर्ग की मिट्टी जैसी होती है, इसीलिए मुल्तानी मिट्टी इतना फेमस है। इन इन छोटी छोटी बातों में इतिहास जुड़ा हुआ है, आप अगर ठीक से देखें तो, जो हम ऑलमोस्ट भूल चले हैं। हमें तो ब्रिटिशर वाला इतिहास चाहिए, हमें तो भारतीय इतिहास कितने लोग जानते हैं, बहुत कम। कभी इतिहास पे भी चर्चा ये करेंगे आपके चैनल में। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये छोटी छोटी चीजें कभी स्किन डिजीज नहीं कॉज करेंगी, लेकिन ये क्रीम्स, लोग बोलते हैं कि सूरज से स्किन का कैंसर होता है। मुझे बहुत दुख होता है ये सुन के, जब साइंस ये प्रूव करने पे तुल जाता है कि नहीं, सन बर्न से ही कैंसर हुआ है। मैं सिंपल सी बात उनको बोलता हूँ, आपने सनस्क्रीन क्यों लगाया, अगर वो नहीं लगाते तो कैंसर नहीं होता। सूरज को ब्लेम करते हैं आप, बात यह है कि सनस्क्रीन आपका फ्रेंड और सूरज आपका दुश्मन, ऐसे कैसे हो सकता है। जीवनदायी है सूरज, जो लोग सनातन को मानते हैं उनके लिए सबसे बड़े भगवान कौन है, शंकर, महादेव, देवों के देव महादेव। शंकर का नाम है आदि योगी, आदि देव कौन है, अगर आदि योगी शंकर है तो आदि देव कौन है, सूरज। सूरज का स्थान शंकर के भी ऊपर है। मेरी बात समझिए, आपने उनको बोल दिया कि सूरज के चलते स्किन का कैंसर हो गया, जहां जहां सूरज की रोशनी पहुंची बीमारियां गई। हमने कभी फिलोसॉफिकली देखा नहीं, जीवन सूर्योदय से शुरू होता है, सूर्यास्त में खत्म हो जाता है। फूल पत्ते सब कुछ सूरज के डायरेक्शन से चलते हैं, और हमें सूरज से कैंसर मिलता है, ऐसे कैसे हो सकता है। आप देखिए, साइंस जब भी नेचर के विरुद्ध जाए वो साइंस ठीक नहीं, जो नेचर के साथ चले वही साइंस है, और वही साइंस ठीक है। तो ये मैं इंफॉर्मेशन देना चाह रहा था कि अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो हेयर फॉल भी कम हो जाएगा, हेयर और लस्ट्रस हो जाएंगे, हेयर और फाइन हो जाएंगे, और बहुत बहुत अच्छा आप दिखने भी लगेंगे, उसमें कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक बात बताइए। हाँ बताइए। दूसरा ये है कि जो आप, एक तो नींबू की बात बताई साबुन के बिना, दूसरा जो शैम्पू है, शैम्पू अल्कलाइन है। ये आप अगर आएंगे इम्स हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रल मेडिकल साइंसेज, चंडीगढ़ डेरा वसीम हॉस्पिटल है ऑन द मेन हाईवे, अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कैंसर पेशेंट मिलेंगे, एंड स्टेज कैंसर पेशेंट मिलेंगे। एंड सिर्फ फर्क ये देखेंगे, व्हेन यू कंपेयर दीज पेशेंट्स विद द पेशेंट इन अदर हॉस्पिटल ऑफ सिमिलर काइंड, फर्क ये देखेंगे कि ये कम्फर्टेबल है। दूसरा फर्क ये देखेंगे कि ये आपको लगेगा नहीं कि ये पेशेंट हैं, वो दर्द रहित हैं। कि शुगर बीपी सिर्फ 7 दिन में बिना 1 रुपए की दवाई के 90% लोगों का यहाँ हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में भर्ती होकर खाने पीने को ठीक करके रिवर्स किया जा सकता है, सैकड़ों पेशेंट हो चुके हैं। अगर जुबान पे लगाम है तो 3 लोगों से वास्ता नहीं पड़ेगा आपका, खाने के लिए है
तो डॉक्टर से वास्ता नहीं पड़ेगा, बोलने के लिए है तो पुलिस और वकील से वास्ता नहीं पड़ेगा, और प्रोफेशनली इन तीनों से वास्ता ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, दुनिया की कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो खाने पीने से हो नहीं जाती है और फिर रेगुलेट नहीं हो सकती है, तो ये दोनों बातें वैसे ही चलती हैं। पांच पिलर्स हैं हमारे, पांच पिलर्स, डाइट, मेडिसिनल प्लांट्स, फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क, माइंड मैनेजमेंट और टेकिंग द हेल्प ऑफ वेरियस पैथीज, ऑल द पैथीज। तो ये हम पांच पिलर्स पे काम करते हैं। जब हम इन पांच पिलर्स पे काम करते हैं तो बॉडी अंदर से जब हील होने लगती है तो थायराइड की समस्या जो अपने आप ही ठीक होने लगती है। चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है जिसका नाम हिम्स रखा गया है, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती है सारी पैथी। इसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादर फली और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को यूज किया जा रहा है। लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द हो, ऑटो इम्यून डिजीज हो, स्टेज फोर कैंसर हो, कोई भी ऐसी बीमारी जो डॉक्टर ने आपको लाइलाज बताई हो या आपको कोई ऑपरेशन बताया हो, तो आप इस हॉस्पिटल हिम्स में संपर्क कर सकते हैं और बीमारी की जड़ पर काम कर सकते हैं। रहना, खाना, पीना सब अरेंजमेंट है। अभी भारत में पटियाला में, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेराबस्सी और दिल्ली में 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं जहां पर सिर्फ खाना पीना और लाइफस्टाइल को ठीक करके बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है। और एक हॉस्पिटल डेराबस्सी जो चंडीगढ़ में है वो शुरू हो चुका है, ये सब हिम्स के नाम से काम कर रहे हैं। तो अगर आप भी किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं तो जल्द संपर्क करें हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में। दुनिया का कोई भी शैंपू अल्कलाइन एसिडिक नहीं है। एक तो एसिडिक चीज आप प्लास्टिक में पैक नहीं कर सकते हैं, आप देखिए कभी गौर करिएगा, इसको एल्कलाइन इसलिए किया गया क्योंकि एसिडिक चीज प्लास्टिक में उसमें छेद कर देगा, उसको बहुत दूर तक आप भेज नहीं सकते हैं, तो उसको एल्कलाइन बनाना पड़ा। लेकिन स्किन तो एसिडिक है, तो जितना मर्जी महंगा शैंपू ले लीजिए वो तो रहेगा एल्कलाइन ही। बेस्ट क्या है, आंवला, आंवला जो मिलता है हमें भारत में तो बहुत मिल जाता है, आंवला, रीठा के बीज मिलते हैं, रीठा के, और शिकाकाई, शिकाकाई भी ड्राइड फॉर्म में मिलता है मार्केट में। आप इसको रात में पानी में भिगा लें, ल्यूकवार्म वाटर में, सुबह में उस पानी को लेके कभी बाल पे लगा के देखिएगा, एक्सपेरिमेंट के लिए थोड़ा सा लगा के देखिए और देखिए दोनों में डिफरेंस। मात्रा जितने बड़े बाल हैं उतने, अगर मेल्स हैं तो मेल्स को तो बहुत कम चाहिए और फीमेल्स को ज्यादा चाहिए, बिकॉज उनका हेयर लस्ट्रस होता है। और कोई भी कंडीशनर से अच्छा है आंवला, रीठा, शिकाकाई, कोई भी कंडीशनर और कोई भी शैम्पू, तीनों की मात्रा कितनी कितनी होगी, बराबर मात्रा में? नहीं, थोड़ी थोड़ी सी। अगर दो दो आंवला या एक आंवला भी काट के डाल दिया जाए पानी में, और ड्राइड शिकाकाई और ये रीठा मिलते हैं सीड्स उसके, वो डाल दिए जाए, रात भर छोड़ दिए जाए, उस पानी से घर के सभी लोग बाल धो सकते हैं। और आप हेयर का लस्टर देखिए, वो एक डिफरेंट लस्टर में रहेगा, वो शैम्पू से वो लस्टर, वो चमक कभी नहीं आएगी जितनी आंवला, रीठा, शिकाकाई से आएगी। तो ये एक बहुत, ये सब बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। अब कमर्शियल वर्ल्ड है ना, अब इस बात से ना बाबा को ये पैसे मिलने हैं ना वो लॉरियल कंपनी को मिलने हैं, तो उन्होंने क्या किया, उनके पास शायद ये नॉलेज है तो वो आंवला रीठा वाला शैम्पू ही निकाल दिया उन्होंने कि ये रीठा वाला शैम्पू है, ये शिकाकाई वाला शैम्पू है। प्लीज, ये सब थोड़ी, अगर उनमें जान होती तो शायद आपका कॉलर पकड़ते और बोलते कि देखो
ऐसे तो ना करो, हमारे में जो गुण है उसको अवगुण में ना मैं ना तब्दील करो। तो यही है। नहीं तो जो हमने जो जानकारी दी है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसे निकल के सामने आ रही हैं कि आंवला, शिकाकाई और रेठा पाउडर लगाने से जो आप हमारी स्किन जो है वो ठीक होगी और बाल भी जो है वो सुंदर होंगे। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या इससे, क्योंकि बहुत सारे कारण और भी होते हैं बाल झड़ने के, बहुत सारे कारण और भी होते हैं जो बाल दो मुहे होने के और बालों में एक कीड़ा लगने की बात भी आती है कि या फंगस हो गया और बाल बीच बीच में से उड़ जाते हैं। जैसे उसमें से कुछ कारण जो है वो पीसीओडी भी हो जाता है, उसमें कुछ कारण जो है पीसीओएस भी होता है, फाइब्रॉइड मतलब जो यूट्रस से संबंधित कुछ प्रॉब्लम होती है वो भी बालों के झड़ने के कुछ कारण बन जाते हैं। तो क्या ये करने से पहले हमें उनका ट्रीटमेंट करना जरूरी नहीं होगा? आप देखिए, आप दो दो अलग अलग बातें बोल रहे हैं। बॉडी में सब कुछ हार्मोन से चलता है, सब कुछ, बिल्कुल है ना। हार्मोन इज द लैंग्वेज ऑफ द बॉडी। बिल्कुल। आपने अभी जो बोला कि बीच बीच में से जो पैची एलोपेशिया कहते हैं उसको, बीच बीच में से बाल चले गए, ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। विटिलिगो एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, सोरियासिस एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, राइट। तो इसके लिए अगर ये है स्किन पे तो बाल गिरेंगे, तो ये डिजीज स्किन होगा। मैं अब तक जो बात कर रहा था नॉर्मल स्किन की बात कर रहा था, नॉर्मल स्किन में ऐसा कर ले, डिजीज स्किन में आप ये सब भी करें जो अब तक बोला गया है, इसके साथ साथ डिजीज को ठीक कैसे करना है वो भी साथ में करते रहें, तो जो बाल गिर गए हैं वापस भी आ जाएंगे, दोबारा से आ जाएंगे। यस, अच्छा, दोबारा आ जाएंगे बाल। बॉडी में कोई भी चीज स्टैटिक नहीं है, एक बार हो, ये हमारा मन है जो ऐसा सोचता है कि ये स्टैटिक हो गया, दिस बॉडी इज डायनेमिक, हर कुछ वापस आएगा। अच्छा, जिनको चमड़ी की बीमारियां हैं डॉक्टर, जिनको चमड़ी की बीमारियां, जैसे अभी आपने सोरियोसिस बोला, अभी कुछ और भी, कुछ भी कुछ बीमारियों के कुछ और भी नाम दिए आपने, तो वर्टिलिगो हो गया, जो पैचेस डल जाते हैं उनके भी आपने नाम दिए, तो मिट्टी और नींबू से नहाने और उनसे करने के लिए क्या उनको वो भी कर सकते हैं ये? क्योंकि अगर सोरियोसिस या तो उनको स्किन की कोई डिजीज है तो उनको वो भी कर सकते कि एक जो उसमें मतलब एक बीमारी होती है ल्यूपस बीमारी होती है, उसमें भी बाल, हाँ उसमें भी जो है वो बाल झड़ने लगते हैं और बीच बीच में से पैची हो जाता है। तो क्या उन लोगों के ऊपर भी जो ये फार्मूला जो है वो कर सकते हैं वो लोग, नींबू और मुल्तानी मिट्टी और ये जो सारे हैं? आप देखिए, मैं एक बहुत साइंटिफिक आदमी हूँ, जो मैंने आपको स्किन के लिए बोला ये सब लोग कर सकते हैं, सब लोग, चाहे बीमारी हो चाहे ना हो। क्योंकि अगर सोरियासिस वाला साबुन यूज करता है तो सोरियासिस और फैलेगा, क्योंकि सोरियासिस स्किन का डिजीज नहीं है। पहली बात तो ये स्किन का डिजीज नहीं है, ये मैनिफेस्टेशन है ऑटो इम्यून डिजीज का ऑन द स्किन। ये दोनों बातों में अलग अलग बातें हैं। अगर स्किन का कोई डिजीज है तो स्किन का ट्रीटमेंट करना चाहिए, अगर ये ऑटो इम्यून डिजीज है तो इम्यूनिटी का ट्रीटमेंट करना चाहिए, तब जाके वो जाएगा, नहीं तो सोरियासिस इसीलिए कभी नहीं जाता है, क्योंकि हम स्किन के ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं, स्किन में प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम इम्यूनिटी में है। We need to understand this. आपने जो सिस्टमिक लूपस की बात बोली वो भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है, तो स्किन के ऊपर तो यही लगाना चाहिए जो मैंने आपको बोला, कोई भी चीज जो एसिडिक हो, जैसे नींबू, जैसे मिट्टी, ये एसिडिक चीज है, बिकॉज स्किन एसिडिक है, इस पे आप जब भी एल्कलाइन लगाएंगे वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा। आज नहीं, आज के 10 साल बाद, 20 साल बाद, 40 साल बाद स्किन झूल जाएगा, स्किन के प्रॉब्लम्स आएंगे, स्किन देखने में ये लगेगा हमेशा क्रीम लगाना पड़ेगा, वो क्रीम नहीं लगाएंगे तो बाहर नहीं जाएंगे, सूरज से डरने लगेंगे, हम कैसे लोग हो गए, हमें बरसात से डर लगता है। आप देखिए, हम बरसात कितना रोमांटिक होता है, हमें उससे डर लगता है, हमें लगता है निमोनिया हो जाएगा,
हमें लगता है सूरज में जाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। अब देखिए हम कैसे हो गए, हम इतने कमजोर कभी नहीं थे और हमें कमजोर बनाया जा रहा है बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन की। नहीं आप ये भी यूज कर लें, ये भी यूज कर लें, आप एक नॉर्मल जिंदगी, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए बहुत सी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हम फिर भी उसके चक्कर में रहते हैं क्योंकि ये एक बेचने का वर्ल्ड है। तो एक बात बताइए डॉक्टर साहब कि अभी जो समस्या, मैंने शुरुआत में भी ये बात की थी, सबसे बड़ी समस्या है कि जिन लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं, ग्रे हेयर्स की प्रॉब्लम जो है वो बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती है, और बाल सफेद हो जाते हैं, सफेद बालों को काला करने के लिए या उसको और रंग देने के लिए बहुत सारे नुस्खे अपनाए जाते हैं, केमिकल जो है वो कलर भी आ रहे हैं, उन कलर का जो है वो साइड इफेक्ट ये निकलता है कि मुंह से जो है वो इतना बड़ा हो जाता है सूज के और रिएक्ट हो जाता है, बॉडी भी पूरी अंदर से कई तरह से उसको खारिश हो जाती है और उसको उसको वो सूज जाती है अलग अलग जगह से। तो ऐसे में अगर किसी को ये प्रॉब्लम है, मतलब स्किन के ऊपर उसने कलर तो करना है लेकिन क्योंकि वो सफेद बाल लेके घूमने वाला नहीं है जिसको ये आदत पड़ गई, तो ऐसे में उसको अगर रिएक्शन हो जाता है तो उसको फिर उसके लिए क्या नुस्खा आपके पास? हिना 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 मेहंदी हिना लगाए, एक तो वो है, दूसरा ये है कि आप एसिडिक चीजें जो जैसे साबुन यूज करना बंद कर दें, मिट्टी से जुड़ना शुरू कर दें। बहुत लोगों ने अपने वाइट बाल काले या ब्राउन ये किए हैं, जस्ट यू स्टार्ट रिवर्सिंग योर एज आल्सो, रिवर्सिंग योर कंडीशन आल्सो, रिवर्सिंग कलर ऑफ द हेयर आल्सो। तो ये सब चीजें संभव हैं, बट दैट दे नीड टू बी टेलर मेड। उसको मैं मतलब अगर मुझे कोई कॉन्टैक्ट करे तो मैं उसको करवाऊंगा वो, क्योंकि वो एक प्रोसेस है, वो ऐसे एक जनरल कंडीशन नहीं है, बट यस इट इज पॉसिबल, ये मैं आपको बताऊं, इट इज पॉसिबल। क्या मिट्टी जो है आपने बोला कि मिट्टी से नहाना चाहिए, मिट्टी कौन सी वाली मिट्टी, कहां से, अगर बाहर से सड़क से लाएंगे उसमें तो कई तरह के कीटाणु होंगे, और कहां की मिट्टी होनी चाहिए? आपको मैं एक बात बताऊं, शायद आप आपके दर्शकों के लिए वो नॉलेज की बात होगी, आपको तो शायद पता है हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसको आप कीटाणु बोलते हैं आपका जीवन उसी कीटाणु से चल रहा है। 100 ट्रिलियन सेल्स हैं आप, जिसमें 90 ट्रिलियन बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, म्यूकर, ईस्ट, 90 ट्रिलियन वो है, 90% वो है, 10% ही ह्यूमन सेल्स है। मिट्टी में ये ताकत कहां से आई कि एक बीज को पेड़ बना दे? वही माइक्रोबायोम है। अगर आपके स्किन में डेफिशिएंट है तो मिट्टी से लगा लीजिए, आपका माइक्रोबायोम का डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगा। जो आप कीटाणु बोल रहे हैं वो ना हो तो विश्व में खाना ना हो, एक बीज पेड़ ना बने, आपकी जिंदगी चले ना, तो हमें इनको हमेशा नमन करना चाहिए। देखिए हम नवग्रह की पूजा करते हैं शांति के लिए, और जो मैंने आपको अभी बात बताई माइक्रोबायोम है, देयर आर 9 माइक्रोबायोम्स इन द बॉडी, ये साइंस यहां तक पहुंच चुकी है। अगर वो माइक्रोबायोम्स एट पीस है तो आप एट पीस हैं। तो हम जो नवग्रह की पूजा करते हैं खुद के शांति के लिए, वो क्या है, मेरे कहने का मतलब समझिए, आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्रिज साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी टुगेदर। तो ये कीटाणु हमारे दुश्मन नहीं है, हम इनको दुश्मन ना माने, हमारी इम्यूनिटी के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कीटाणु है, अगर ये ना हो तो आपकी इम्यूनिटी खत्म है। हम आजकल इतना स्टेराइल हो गए हैं, सब्जी के ऊपर भी स्प्रे मार के हम खाते हैं, आप देखिए हमने अपने गट को स्टेराइल कर लिया है, तो क्या होगा कि एक छोटा सा वायरस फट से आपको इन्फेक्शन कॉज करेगा। अगर हम ऐसा ना करते तो इन्फेक्शन एक छोटे से वायरस की मजाल है, इतने बड़े बॉडी, इतने इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग को ये धराशाही कर दे, देश के देश धराशाही हो रहे हैं एक छोटे से वायरस जिसको आप देख नहीं सकते हैं।
कहने का मतलब समझिए, हमने अपने आप को स्टेराइल कर लिया है और हमें लगता है कि यही तरीका ठीक है, ये तरीका ठीक नहीं है। भारतीय तरीका ही अल्टीमेटली ठीक है और ये भारतीय साबुन लगाना भारतीय तरीका नहीं है, मेरा मेरे कहने का ये मतलब है। अच्छा एक बात बताइए डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जो तकिया लेना, सरहाना लेना जो है वो बंद कर दीजिए, दिमाग में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज हो जाएगी और जो बाल झड़ने की और बालों की प्रॉब्लम जो है वो ठीक होने लगी। लेकिन ब्लड वही नहीं, ब्लड सप्लाई, मैं वही आ रहा हूँ, ब्लड सप्लाई नॉर्मल हो जाएगा। हाँ ब्लड सप्लाई जो है वो, अगर किसी को ब्लड प्रेशर है वो भी नॉर्मल हो जाएगा। आप करके तो देखिए, जो लोग दवा खाते हैं, जो लोग दवा खाते हैं ब्लड प्रेशर की, सिंपल चीज है, तकिया निकाल दीजिए, ब्लड प्रेशर नेक्स्ट डे से नॉर्मल हो जाएगा। मैं वही आ रहा हूँ, ब्लड सप्लाई जो है वो सिर तक वो सही तरीके से पहुंच नहीं रही, तो उसकी वजह से जो आपने बताया कि बालों की समस्या आ रही है, स्किन की और प्रॉब्लम, सिर में जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है। तो क्या अभी सवाल ये पैदा होता है कि इसमें डिप्रेशन, माइग्रेन, आंखों की समस्या, डिमेंशिया, तो क्या ये भी इससे कवर होगी, क्योंकि ब्लड सप्लाई ऊपर तक नहीं जा रही, उसकी वजह से ये भी तो प्रॉब्लम आती, तो सिरहाना निकाल दिया तो ये भी ठीक होनी चाहिए। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल, यू हिट द बुल्स आई, आपने सिरहाना अगर निकाल दिया, आप देखें ब्लड प्रेशर वाले जो एक्सेलरेटेड ब्लड प्रेशर वाले हैं, जिनका ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा है दवाइयों के बाद भी, सिरहाना निकाल दें आज और कल ब्लड प्रेशर ले लें, वो नॉर्मल आ जाए। मेरे कहने का मतलब ये है, मिड ब्रेन जो है उसमें जैसे ही वो किंक आता है, किंक से अगर ब्लड जा रहा है तो कम ब्लड जा रहा है तो हाइपोक्सिया हो रहा है, उसको हाइपोक्सिया कहते हैं। हाइपोक्सिया होगा इमीडिएटली ब्लड के प्रेशर को बढ़ाएगा वो, कि हमें ज्यादा ब्लड दो। अगर आपने तकिया निकाल दिया, उसका ब्लड सप्लाई नॉर्मल हो गया, हाइपोक्सिया नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। तो डिप्रेशन, डिमेंशिया, ये सभी, कोई भी बीमारी, नॉट ओनली, आप जितनी बीमारियों का नाम जानते हैं, कोई भी बीमारी क्यों होती है, ब्लड सप्लाई सही ढंग से, ब्लड सप्लाई नहीं जा रही, हवा पानी का खेल है ये। लोग अपना जलवायु बदलने जाते हैं, कभी आपने सोचा कि हेल्दी किसको बोलते हैं, डिजीज्ड किसको बोलते हैं? आप किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, किसी भी हॉस्पिटल में, एक इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, इसमें सिक पेशेंट्स होते हैं, किसी को किडनी, हार्ट, लंग्स, लीवर, पैरालिसिस, एक्सीडेंट, कई तरह के पेशेंट्स, कई तरह की दवाइयां चल रही हैं, बट एक चीज कॉमन है, उनको एक ड्रिप लगा होगा और ऑक्सीजन लगा होगा। ये आपको एक मैसेज देना चाहिए, इस पेशेंट का जल और वायु ठीक नहीं है, इसलिए ये पेशेंट है। ऑन द अदर एंड ये सिक हो गए। हेल्दी किसको बोलते हैं? योगा, मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग, स्विमिंग, डांसिंग, वेट लिफ्टिंग, जिमिंग, ये जितने भी हैं, इसमें आप क्या करते हैं, क्या कॉमन है? आप सांस ज्यादा लेते हैं, सांस ज्यादा छोड़ते हैं। जब भी सांस ज्यादा लेंगे प्यास ज्यादा लगेगी, तो आपने सांस ले लिया, पानी ले लिया, हेल्दी हो गए, नहीं तो सांस और पानी चढ़ाना पड़ता। तो अ थिन लाइन बिटवीन हेल्थ एंड डिजीज इज ओनली एयर एंड वाटर। इसी तरह बीमारियों में भी, जहां पर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंची वो बीमार हो गया, जहां पे ब्लड सप्लाई पहुंच गई वहां पर जल और वायु दोनों पहुंच गया। वायु मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बिल्कुल, तो वो वहां पर पोषण और ऑक्सीजन दोनों पहुंच गया, वहां बीमारियां नहीं होगी। तो ये जो जितनी भी आप बीमारियां, डिमेंशिया हो, डिप्रेशन हो, तकिया निकालने पे मेरा दावा है कि 60-70% फर्क पड़ जाएगा। माइग्रेन वगैरह, आंखों की कमजोरी, आंखों की समस्या जितनी भी होगी, बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि हम पीठ के बल सोना बंद कर दें, पेट के बल आ जाएं या साइडवेज सोएं, तो बहुत सी बीमारियों से आप दूर हो जाएंगे। आप देखिए ना, एक और जानवर दिखा दीजिए, हम एनिमल किंगडम से है ना, हम प्लांट तो नहीं है ना, हम एनिमल किंगडम से ही है ना। एक और एनिमल दिखा दीजिए जो अपने पीठ के बल सोता हो, दिखाइए मुझे, कोई भी नहीं। जब मर जाता है तब पीठ के बल आता है। हम रोज मरते हैं। अभी कोरोना टाइम में पता चला कि नहीं, पीठ के बल नहीं सोना चाहिए, पेट के बल, ये सब चीजें।
आईसीयू में सभी पेशेंट पेट के बल लेटे हुए हैं आज के दिन में। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम ये सब अब सीख रहे हैं, हमें बहुत पहले सीख लेना चाहिए था। तो पीठ के बल सोना अगर बंद करेंगे तो तकिया की पहली बात तो जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली बात आप देखें, आप नोटिस करें, अगर पीठ के बल नहीं सोएंगे तो तकिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगा। पेट के बल लेके अगर तकिया ले लिया तो ये सर टेढ़ा हो जाएगा, आप ले ही नहीं सकते। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यू आर नॉट मेंट फॉर दीज थिंग्स, फिर भी आप अगर करना चाहें वो आपकी खुशी है, कोई आपको इस बात के लिए जेल में थोड़ी डालेगा, लेकिन बीमारियां आप ही को होंगी। तो ये बात है। तो जाते जाते बालों की सुंदरता, बालों के इस सेहत, बालों को झड़ने से रोकने के दो मुंह है बाल, बालों की कोई भी समस्या, रूसी हो चाहे कोई भी हो, तो उसके लिए कुछ टिप ऑफ द इंटरव्यू देना चाहेंगे? दो मुंह बाल के बारे में हमने बात नहीं की। दो मुंह बाल इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ स्किन, नीदर हेयर, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ द केमिकल दैट यू आर यूजिंग। आप जो शैम्पू यूज कर रहे हैं, आप जो ये यूज कर रहे हैं, आपके जो एनवायरमेंट है, जैसे आप मिट्टी नहीं आने देते हैं, बिल्कुल स्टेराइल एनवायरमेंट है, तो बाल दो मुंह हो जाते हैं, बिकॉज डिहाइड्रेट हो जाते हैं। आप देखिए, आपको मैंने जल वायु का जो एग्जाम्पल दिया, डिहाइड्रेट जब भी होंगे आप, एसी ऑन कर लीजिए, हमेशा एसी एनवायरमेंट में रहिए, डिहाइड्रेशन से बाल दो मुहे हो जाएंगे। दो मुहे का क्या मतलब है? बाल टूटने लग जाएंगे, बिकॉज डिहाइड्रेट हो गए, आपने हाइड्रेशन का कोई ध्यान नहीं रखा उसका। और हाइड्रेशन तेल लगाने से नहीं होता है, बाय द वे, वो स्किन हाइड्रेट करती है, सेबेशियस ग्लैंड्स हैं स्किन में, अगर स्किन डिहाइड्रेटेड है तो बाल दो मुहे हो जाएंगे। जी। तो ये कहना था मुझे। और जाते जाते मैं ये बोलना चाहूंगा कि चीजें जिंदगी में हेल्थ के लिए चीजें है बहुत सिंपल, हमने उनको कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक ऐसी समस्या के संबंध में ऐसी ऐसी जानकारी दी, कुछ आंखें खोलने वाली जानकारी दी है, क्योंकि हम लोग अपनी ही गलतियों की वजह से अभी तक इतनी बीमारियां जो है वो पल्ले में बांधे हुए तो फिर रहे हैं, डॉक्टरों के पास घूम रहे हैं, समझ में आता नहीं है कि क्या करें। लेकिन आज जो आपने जानकारी दी है, अगर उसको पल्ले बांध ले कोई बंदा और जिंदगी में उसको अपना ले, तो कोई कारण नहीं रह जाता कि उसको दवाइयों से ठीक होने की जरूरत पड़े और डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़े। अगर ऐसे इस नुस्खे को अपना कर वो घर बैठे ही तंदुरुस्त हो सकता है, घर बैठे ही उनको बालों से संबंधित डिमेंशिया, डिप्रेशन, माइग्रेन, आंखों की समस्या और बहुत सारी जितने भी सिर की संबंधित बीमारियां हैं, बालों की संबंधित बीमारियां हैं, वो सभी ठीक हो सकती हैं। और स्किन के संबंध में जो आपने जानकारी दी है कि नींबू और मिट्टी से नहाइए, आपको स्किन की सारी बीमारियाँ जो है वो कुछ दिनों में भाग जाएंगी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी जानकारी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सन डॉक्टर अवधेश पांडे जिन्होंने सानू ये जानकारी दिती है कि किस तरीके दे नाल असी अपनी ही गलतियां दे नाल जिहड़ा ओ वाला नू खराब कर बैठते हैं, अपनी ही गलतियां दे नाल असी सिर तो गर्दन तो उपरले हिस्से दियां जिन्नियां भी बीमारियां आदियां ने ओ आप खुद सहेड़ के बह जांदे हां, किस तरीके दे नाल असी चमड़ी नू आप खराब करके बैठ जांदे हां, उन्हां चीज़ां नू खराब करन ते बीमार करन दे पिछे किहड़े किहड़े वजह ने, अज सारियां चीजां खोल के रख दित्तियां ने। और दूजी गल, सब तो वड्डी गल, कि छोटे जे कुछ अजिहे टिप दिते गए ने डॉक्टर अवधेश पांडे वालों जिहड़े कि बा कमाल ने, और देखण तों बाद तुहाडे मूँह चों जरूर निकलिया होएगा वाओ। और जे वाओ निकलिया तां इस नूं वीडियो नूं शेयर जरूर कर दिओ, क्योंकि ये जानकारी अपने तक ही ना सीमित रखो, क्योंकि ये जानकारी सारिआं तक पहुँचनी चाहीदी है। ते जे जानकारी सारिआं तक पहुँचदी है ते घर बैठे बहुत सारे लोग जिहड़े ने इस जानकारी दे नाल अपना इलाज खुद बैठे कर सकते हैं, तो असी समझांगे कि इस वीडियो नूं बनाउण दा मकसद कामयाब रहा। साडे चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुल्यो। अगली बार फिर हाजिर होवांगे एक नवे मुद्दे, एक नवे मेहमान दे नाल। उदों तक मैनूं दिओ इजाजत। धन्यवाद।